डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की सीबीआई समन रद्द करने की दाखिल याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। सीबीआई के समन को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की तेजस्वी यादव ने जिसमें कहा गया है कि वो पटना में रह रहे हैं तो उन्हें सीबीआई दिल्ली में समन जारी क्यों कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने सीबीआई से वर्तमान बिहार विधानसभा सत्र के खत्म होने तक का वक्त मांगा है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि वो 3 बार सीबीआई से अनुरोध कर चुके हैं। बतौर डिप्टी सीएम सदन में मौजूद रहने को तेजस्वी यादव ने अपना दायित्व अपनी जिम्मेदारी बताया है। Zee News.